बहादुरगढ़ से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार नफे सिंह राठी का चुनावी अभियान जोर पकड़ने लगा है। नफे सिंह राठी ने शहर में अलग अलग जगह नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से वोट और समर्थन की अपील की। इस रिपोर्ट को देखें। 3,000 रुपए महीना बुजुर्गों, एक बच्चे को, बेटा है या बेटी। सभी प्रत्याशियों की तरह इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार नफे सिंह राठी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शहर की सभाओं में नफे सिंह राठी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ने लगी है। नफे सिंह राठी का स्वागत फूलमाला और पगड़ी के साथ किया जा रहा है। इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? हमारे को जल्दी उपलब्ध कौन हो जाएगा? किसके पास जाकर के हम बैठकर अपनी व्यथा सुना सकेंगे और कौन हमारे दुख सुख में शामिल होगा? ये इलेक्शन है। वहीं नफे सिंह राठी का कहना है कि इस बार 24 अक्टूबर को जब परिणाम आएगा तो प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। नफे सिंह राठी ने आगे कहा कि उनकी सरकार आते ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को स्वच्छ पानी और 24 घंटे बिजली मुहैया करवाना होगा। बहादुरगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। गंदा पानी आता है पीने का, सीवरेज का पानी पीते हैं लोग और कई साल से पीते हैं। हर आदमी की हिम्मत नहीं आरो लगवा ले, नहाने को भी दिल नहीं करता। ये हालत है। हमारे टाइम पर बिस्लेरी से बढ़िया पानी आता था और हर रोज आता था, बगैर मोटर चलाए तिमझले पर चढ़ता था। अब पानी है तो बिजली नहीं, बिजली है तो पानी नहीं। सारी रात जागे क्या लोग पानी के लिए? 3,000 रुपए महीना। इनेलो उम्मीदवार नफे सिंह राठी पूरे जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 24 अक्टूबर को नफे सिंह राठी की ये मेहनत कितना रंग लाती है और जनता का कितना दिल जीत पाती है। बहादुरगढ़ से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप धनकर की रिपोर्ट।